अरे ये फेसबुक में लिखने से पहले थोड़ी जानकारी तो ले लिया कर यार। ये रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं है मेरे भाई। सरकार प्राइवेट कंपनीज को सिर्फ 151 एक्स्ट्रा ट्रेन चलाने के लिए आमंत्रण कर रही है। और आज जो फर्स्ट एसी सेकंड एसी के लोग चलते हैं, ये जब उसमें चलने लगेंगे तो सोच कितनी और एक्स्ट्रा सीट्स निकल आएंगी। तो साधारण किराए पर सफर करने वालों के लिए सीट बढ़ेगी कि नहीं, बात समझने की है मेरे भाई। सोचा तुझे करेक्ट कर दूं। अरे भारतीय रेल हम सबकी है बॉस। माँ को इलाज के लिए दिल्ली लेके जाना था, 5 लोग और भी थे साथ में। भाई ये तो अफोर्ड ना कर पाते, इसीलिए ट्रेन में लेके आना ही संभव हो पाया। और ट्रेन तो हमारी अपनी है और ट्रेन में हम इतने समय से चले भी हैं। अब सुना है प्राइवेट ट्रेन भी चलने लगे और प्राइवेट ट्रेन में फैसिलिटी भी मिलती है। और अगर प्राइवेट ट्रेन में फैसिलिटी मिल रही है तो क्यों ना इस्तेमाल कर, क्यों ना चले। ट्रेन तो हमारी अपनी है ना। सुन 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 मेरी बात सुन। याद है जब प्राइवेट कंपनीज को सरकार ने हवाई जहाज उड़ाने को कहा था, आज हवाई चप्पल वाला हवाई सफर कर सकता है। समझ आया किराए कैसे सस्ते हुए? तो भाई बेसिर पैर की बात ना कर। भारतीय रेल सरकार की है, तेरी है, मेरी है, हम सब की है।